पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 24 जुलाई 2023 को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एक बहुत ही विशाल निषाद महाकुंभ का आयोजन हुआ था। उसमें जितने लोग आए सभी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि निषाद महाकुंभ सफल कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उसको ना चाहने वाले समाज के विरोधी लोग भयभीत, हैरान व परेशान हैं और वह लोग फिर से समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब यह समाज गुमराह होने वाला नहीं है, वह अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। उन्होंने कहा 2024 में निषाद समाज फिर से सरकार बनाएगा। समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा। जो लोग कहते थे आरक्षण दिलवाएंगे वह लोग अब आरक्षण को भूल गए हैं और समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा 24 जुलाई 2024 को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक निषाद महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसमें जितने लोग आए सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उनका मैं नमन करता हूँ। उन लोगों ने आकर के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आज ये भी साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक सफल और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए, इसलिए कुछ उनको न चाहने वाले समाज के विरोधी लोग भयभीत और हैरान, घबराए और परेशान हैं। परेशान होकर के फिर से उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज गुमराह होने वाला नहीं है। ये दो भाजपा समर्थित नेता आमने सामने लगातार टकराव हो रहा, 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो क्या लगता है कि निषाद समाज 2024 में किसके तरफ, या संजय निषाद की तरफ या जयप्रकाश निषाद की तरफ? 2024 में जिस प्रकार से 2017 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया, उसी प्रकार से 2022 में वोट दिया, ठीक उसी प्रकार 2024 में भी निषाद समाज फिर से पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और प्रचंड बहुमत के सरकार बनाएगा, लेकिन किसी बहुरूपिये के कहने पर नहीं, किसी धोखेबाज के कहने पर नहीं, किसी आरक्षण के जाल में फंसाने वाले के कहने पर नहीं, अपनी लड़ाई स्वतः लड़ते हुए ये फिर से सरकार बनाने के लिए समाज अग्रसर है। महाकुंभ के बाद स्थापना दिवस, ये स्थापना दिवस तब होता, समाज इसको तब सराहता और समाज चढ़ बढ़ करके आता, ये पूरा शहर जाम हो जाता, लेकिन ये स्थापना दिवस नहीं, बल्कि मैं समझता हूं जिस चीज की स्थापना हुई थी कि आरक्षण दिलवाएंगे आज